नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द फ्रिंगो पर। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया भर में होने वाली कुछ वियर्ड रेसेस। आपने बचपन में रेसिंग तो बहुत करी होगी और रेस लगाने में मजा भी बहुत आता है, बट हमारी आज की वीडियो की रेसेस देखकर आप यही बोलेंगे कि अगर लाइफ में एक बार ऐसी रेसेस नहीं करी तो फिर क्या ही करा। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारी पहली रेस की तरफ। दोस्तों, ये है टॉय कार रेसिंग। इस रेस में लोग टॉय कार्स में बैठकर एक हिल से रेस लगाते हैं। इन टॉय कार्स में कोई भी एक्सेलरेटर या ब्रेक्स नहीं होते और इन राइडर्स को खुद ही ये मिनी कार संभालनी होती हैं। ये रेस देखने में ऐसी लगती है कि इसे बच्चे काफी इंजॉय करेंगे, बट इन एडल्ट राइडर्स की बात माने तो इन छोटी छोटी कारों पर रेस लगाने में इन्हें बहुत मजा आता है और शायद इसीलिए इन्हें देखने के लिए भी सौइयों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इन राइडर्स को रेस लगाते देख बड़ा मजा आता है। गिरते उठते ये राइडर्स इस रेस का पूरा मजा लेते हैं और अपने बचपन को एक बार फिर से जी लेते हैं। ये लोग इस रेस में बहुत बुरी तरह गिरते हैं और इनकी कार्स भी चकनाचूर हो जाती हैं, बट ऑडियंस इसका पूरा मजा लेती है। ऑस्ट्रिच दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड्स होती हैं, राइट? और ये उड़ भी नहीं पाती, इसीलिए यूएस में लोगों ने ऑस्ट्रिच रेस का इजाद कर दिया, जिसमें ये राइडर्स ऑस्ट्रिच पर बैठकर उन्हें घोड़ों की तरह जोर जोर से भगाते हैं। अपना बैलेंस बनाए रखना बहुत डिफिकल्ट होता है और ये ऑस्ट्रिच पर लटकते हुए इन ऑस्ट्रिच की सवारी का मजा लेते हैं। ये कोई आम कॉम्पिटिशन नहीं, बट सीरियस रेसिंग कॉम्पिटिशन होता है, जैसे हॉर्स रेसिंग होती है, और जीतने वालों को पैसे और इनाम दोनों मिलते हैं। Go number three, Stephen Curry, very rambunctious. Great start for Brexit. Good start for Kim Kardashian. After that, cruising, bruising. It is Brexit. Kim Kardashian. Escaline calls on the. अमेरिका में पंपकिन रेस एक ऐसा स्पोर्ट है जो वहाँ के लोगों ने खुद ही इजाद करा है, और इसके लिए वो बड़े-बड़े पंपकिन उगाते हैं और फिर उसमें छेद करते हैं। इसके बाद उसमें बैठकर वो पानी पर एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं। कई लोगों के पंपकिन्स जहां बीच पानी में डूब जाते हैं, तो वहीं कई लोग अपने पंपकिन में बैठे बैठे इस रेस के सिकंदर बन जाते हैं। ये सब रेसेस अमेरिका में पास टाइम के लिए करी जाती हैं, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल कर सबके साथ इंजॉय कर पाए। ये है एक जबरदस्त रेस जिसका नाम है सोप बॉक्स रेसिंग, और ये रेस रेडबुल कंपनी ने शुरू करी थी। इस रेस में पार्टिसिपेंट्स अपनी कार को पूरी तरह से खुद ही बनाते हैं और इनके डिजाइन बहुत ही यूनिक भी होते हैं। दुनिया के कुछ सबसे क्रेजी और कूल कार डिजाइन्स आपको इस रेस में दिख जाएंगे। इस रेस को देखने के लिए सैकड़ों लोग भी आते हैं और इन पार्टिसिपेंट्स को कार के यूनिक डिजाइन और टाइम पर रेस खत्म करने पर जज करा जाता है। सोप बॉक्स रेसिंग अब दुनिया के 36 कंट्रीज में होती है और यूके की तो ये फेवरेट रेसेस में से एक है। लोग इसके बहुत शौकीन भी रहते हैं। सोप बॉक्स रेसिंग में कार को गत्ते, एल्यूमिनियम और फाइबर जैसे मटेरियल से बनाया जाता है। इतनी कमाल की कार्स देखकर किसी का भी मन इन पर बैठकर राइड लेने का करेगा ही, और रेस करने का भी। आरसी कार्स की रेसिंग के बारे में तो हम आपको क्या ही बताएं। आपने भी आरसी कार्स की रेस शायद खुद अपने दोस्तों के साथ भी लगाई हो। इन आरसी कार्स की रेस लगाने में बड़ा मजा आता है और इन रेसेस के लिए आम आरसी कार्स नहीं, बट बेहद पावरफुल हॉबी ग्रेड आरसी कार्स का यूज करा जाता है, जिनमें बहुत हैवी पावर होती है और इन्हें कंट्रोल करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने भी कभी आरसी कार से रेस लगाई है तो कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। पेश है आपके सामने द वाइल्ड मड रेसिंग, जिसके लिए मॉन्स्टर ट्रक कीचड़ से भरी जमीन पर एक दूसरे के साथ रेस करते हैं। इन मॉन्स्टर ट्रक्स को कीचड़ से भरी जमीन पर चलते देख बड़ा मजा आता है। इतनी पावरफुल गाड़ियां जब चलती हैं तो लोगों की भीड़ इन्हें देखने उमड़ आती है। लोग यहां आकर इंजॉय करते हैं, मॉन्स्टर ट्रक्स पर बैठकर बियर का मजा लेते हैं और रेस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। बेसिकली ये अमेरिका के लोगों का फन टाइम स्पोर्ट है, जो काफी दिलचस्प और मजेदार लगता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वियर्ड, क्रेजी और इनसेन रेसेस। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल
द फ्रिंगो को सब्सक्राइब करके साथ में मनी बेल बटन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।